मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर। डैम वैली जंगल से घिरा विदर्भ का सबसे बड़ा, सबसे अलग बेस्ट पिकनिक स्पॉट, वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एग्रो एडवेंचर इत्यादि। विदर्भ में पहली बार मुंबई गोवा वाली बोटिंग, इसीलिए मुंबई गोवा छोड़िए, शिव तीर्थ आइए। स्कूल, फैमिली, ऑफिस पिकनिक, बर्थडे, शादी, नाइट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट। हमारा पता उमरी डैम, सावनेर, नागपुर। जल्दी संपर्क करें, भूल ना जाना शिव तीर्थाना। पांडुरंग में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वेरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, पानी बॉटल, फ्रिज बॉटल, टिफिन बैग, स्कूल बैग, हॉट पॉट, घड़ी, कुकर, किचन सेट, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। पांडुरना सौसर की जीवनदायिनी जाम नदी के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से तीगांव मुखा बाबा मंदिर से परिक्रमा यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा का उद्देश्य जाम नदी के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना है। तीगांव की श्रद्धा सबूरी पानी एवं पर्यावरण सामाजिक संस्था द्वारा यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जितेंद्र जामदार, जिला अध्यक्ष पवन सहगल, धीरज वानखेड़े, ब्लॉक समन्वयक दिलीप आठनेरी की प्रमुख उपस्थिति में शुरुआत हुई। यात्रा का नेतृत्व संस्था के चालक नीरज वानखेड़े और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। पहले दिन तीगांव के जाम नदी तट से चलकर यात्रा पांडुरना पहुंची। यहां विधायक नीलेश उइके, पार्षद दुर्गेश उइके, किशोर धुर्वे और अन्य लोगों द्वारा यात्रा में भाग लेकर उनका स्वागत किया गया। पहले दिन यात्रा भुली में समाप्त हुई। सोमवार को सुबह यात्रा भुली से आगे बढ़ी। सोमवार को दिन भर जाम नदी के तट से होते हुए पिपला नारायणवार और बानो बाकुड़ा होते हुए यात्रा जाम सावली मंदिर पहुंची है। मंगलवार को लोधीखेड़ा में जाम नदी के संगम पर पूजा पाठ करने के बाद यात्रा का समापन होगा। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष जितेंद्र जामदार ने उत्कृष्ट विद्यालय में BSW MSW में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों, नवांकुर समितियों के सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि परिषद के उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना है। बातें प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो और जब ये प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं तो हमारे देश को हम एक प्रगत देश। इस मौके पर जिला समन्वयक पवन सहगल, वरिष्ठ नेता देवीदास राउत, हेमंत कस्तूरे, दिलीप आठनेरे और अन्य लोग उपस्थित थे। दिलीप आठनेरे और पूरे जिले से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर राम चांगोमा में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधायक नीलेश उइके के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण और संविलियन के साथ वेतन वृद्धि करना है। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन विद्युत अधिकारी कल्याण संघ के तत्वाधान में ग्राम चांगोमा में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ उक्टे, महापौर नगर निगम विक्रम आहके भी ज्ञापन स्वीकार करने में उपस्थित थे। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद। कर्मचारियों ने मांग की कि विभाग में संविलियन कर न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाए। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंकल्प 2013 के पृष्ठ क्रमांक 33 के बिंदु क्रमांक 6 में विद्युत कंपनियों में कार्यरत समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि आंदोलन यही नहीं समाप्त होगा, आगे की रणनीति संगठन द्वारा तय की जा रही है। वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, पीवी पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुरना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुरना।